हेलो एवरीवन, इसके पहले का जो हमारा वीडियो था इसमें आपने सीखा था कि कैसे आप गिम्बल को बैलेंस कर सकते हैं, कौन सी एक्सेस होती है, कैसे आपको उसको बैलेंस करना चाहिए। ये वाला जो वीडियो है इसमें आप सीखोगे कि आप कौन से मोड्स गिम्बल के यूज़ कर सकते हो और अलग अलग एंगल्स ले सकते हो। अभी क्या होता है कि पहले के हमारे वीडियो में आपने इसके अंदर एक्सेस सीखा, ठीक है, कौन से एक्सेस होते हैं, कैसे उसको बैलेंस करना है। हमारे हाथ में फ़िलहाल कौन सा गिम्बल है, ज़ून का विबल 3E लाइट। अभी हमारे हाथ में वही गिम्बल है, वही कैमरा है, बैलेंस हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग अलग अलग मोड्स को देखेंगे। यहाँ पे मोड्स के लिए M बटन दिया गया है और ये जो M बटन है उसको प्रेस करने पर दूसरा मोड L मतलब लॉक मोड आता है, वापस दबाने पर F मतलब फॉलो मोड आता है, वापस दबाने पर PF मतलब पैन फॉलो मोड आता है, डबल टाइम दबाने पे POV मोड आता है और वापस डबल टाइम दबाने पे वर्टेक्स मोड आता है, वापस डबल टाइम दबाने पे पोर्ट्रेट मोड आता है। अभी जो है अगर इस सारी मोटर्स को हमको रिलीज़ करना है तो ये हमको M मोड को कंटिन्यूसली 2 सेकेंड के लिए प्रेस करना है। तो अब जो है ये सारी मोटर्स स्नूज हो चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। और ऐसे करके इसके अंदर 6 अलग अलग मोड्स हैं। आज जो है हमें ये 6 के 6 मोड्स को कैसे आप इंटरेस्टिंग शॉट्स ले सकते हो उसके बारे में जानेंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम यहाँ से एक सी शॉट लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग PF मोड पे हैं, मतलब पैन फॉलो मोड। पैन फॉलो मोड का मतलब है कि आपका जो हाथ है, जो आपका व्रिस्ट है, जिस तरफ जाएगा, इस तरफ ऐसे जो व्रिस्ट जाएगा उसको आपका गिम्बल फॉलो करेगा। मतलब जो आपका व्रिस्ट से पैन हो रहा है उसको आपका गिम्बल फॉलो कर रहा है, इसके मतलब उसको कहा जाता है पैन फॉलो मोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो व्रिस्ट है, ठीक है, इस व्रिस्ट को जिस तरफ मैं लेके जा रही हूँ इस तरफ वो फॉलो हो रहा है। अच्छा, इसकी जो स्पीड है कि कितनी फास्ट होनी चाहिए ये पैन फॉलो या कितनी स्लो, ये भी आप इसके सेंसर के अंदर जाके स्क्रीन के अंदर इसको सेट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग है, इसको चलने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे फट 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 चलने लगे तो आप कोई भी गिम्बल यूज़ करोगे वो आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इसको पूरा का पूरा बाउंस दे दिया। आपको आपके बॉडी को भी उतना ही कंट्रोल करना पड़ेगा जैसे आपने गिम्बल को बैलेंस किया। अभी हम लोग यहाँ पर है, हम लोग ने दोनों पैरों को दूर रखा है और आप मेरा बॉडी का मोशन देखिए। ये जो हमारा नी है उसको सॉफ्ट बेंड दिया है और पैरों को दबा के आपको आगे बढ़ना है। दोनों हाथों को आपको आपके चेस्ट के पास लेके आना है, जो पीठ है उसको स्ट्रेट रखनी है और ऐसे करके जो है आपके व्रिस्ट के सपोर्ट से, कोई भी आपको जॉयस्टिक का इस्तेमाल किए बिना व्रिस्ट के सपोर्ट से आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे आ गई, तो अभी इसके अंदर लॉक मोड को सेट करेंगे, ठीक है। लॉक मोड में क्या होता है, चाहे आप आपका व्रिस्ट और हाथ कैसे भी हिलाए पर आपका कैमरा वहीं के वहीं रहेगा। तो अगर आपको स्लाइडर शॉट्स वेडिंग्स में लेने हैं तो आप कैसे लोगे, स्लाइडर को सेट करोगे तो उसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है काफ़ी सारे स्लाइडर वाले शॉट गिम्बल से ही ले सकते हो। अभी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जो है स्टैचूज़ है, ठीक है, ऑस्ट्रिच के स्टैचूज़ है और उसके पीछे एक छोटी सी लेडी का स्टैचू है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीनरी है, जो स्टैचूज़ है, उसके वहाँ से स्लाइडर शॉट उस लेडी पर फोकस करेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने हमारा कैमरा सेट किया, यहाँ पर हम आए, यहाँ पे हम लोग ने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन किया। अब जो है हम लोग ने यहाँ से इसको स्लाइड किया, और एक शॉट क्लोजअप, तो इस तरह का जो है आपने गिम्बल से स्लाइडर शॉट्स भी ले लिए। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों का तीसरा मोड आ चुका है जिसको कहा जाता है फॉलो मोड। फॉलो मोड में क्या होता है कि आपका जो टिल्ट एक्सेस है और पैन एक्सेस है वो आप दोनों यूटिलाइज़ कर पाते हो। तो यहाँ पे ये लेडी है और लेडी का ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा पानी और यहाँ पे थोड़े से फूल डाल चुके हैं। अभी हम जो चाहते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये यहाँ से ऐसे आए और यहाँ से रोटेट हो, मतलब हमारा पैन एक्सेस भी आए
और टिल्ट एक्सिस भी आए। तो फॉलो मोड करने के ऊपर जैसे ही मैंने यहाँ पे कैमरा रखा, अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ से जो है टिल्ट करके पैन कर देने वाला शॉट लिया जो हमको फॉलो मोड में मिल गया। अच्छा, इसमें जब आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है, यहाँ से जाके रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ब्लूटूथ से आप जो है गिम्बल को वायरलेसली आपके कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ क्या होगा कि अब जो है यहाँ से जब आप रिकॉर्डिंग का बटन दबाओगे तो फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। सो ऐसे करके आप हैंड्स फ्री काम कर सकते हो। और ये जो बटन है उसी से हम जो है हाफ प्रेस से फोकस कर सकते हैं और फुल प्रेस पे फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बटन है वो रिकॉर्डिंग के लिए भी काम में आएगा, फोकस करने के लिए भी काम में आएगा, और फोटोग्राफी का अगर आपको कोई शॉट लेना है गिम्बल पे जब कैमरा लगा हो तब वो भी आप कर सकते हो। अभी हम लोग ने इसमें POV मोड ऑन कर दिया है और इसमें आप जैसा चाहो वैसा जब हम लोग संगीत में डांस करते हैं, DJ करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को पता है थोड़े से ऐसे वेवी शॉट चाहिए, या फिर हल्दी के वक्त लोग जब बहुत सारे फूल डालते हैं तब हम लोग को ऐसे से ऐसे काफ़ी सारे मस्ती वाले शॉट चाहिए रहते हैं, तब आप ये POV कर सकते हो। POV का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप जो है जो भी हमारा सीन चल रहा है, आप अगर हाथ इस तरफ जा रहा है अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हो, ऐसे सारे शॉट्स लेने के लिए काम में आता है। इंसान घूम रहा है तो घूमते घूमते अगर ऐसा आप शॉट लेना चाहते हो तो ये सारे POV शॉट में आ जाता है। अभी हम लोग जो है वर्टेक्स मोड पे आ गए हैं, V मोड के ऊपर। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे 360 डिग्री शॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कि आपको कपल पोर्ट्रेट वैसा लेना है जहाँ पे आपको पूरा 360 डिग्री दिखाना है, या फिर DJ के वक्त ऐसा कोई शॉट लेना है यहाँ पे पूरा 360 डिग्री दिखे, डेकोर लेना चाहते हो, ग्रुप पिक्चर्स लेना चाहते हो, हर जगह पे ये काम में आ सकता है। अभी आपको क्या करना है, आपके दोनों हाथों को जो है चेस्ट के एकदम पास लेके जाना है, इसको ऐसे जो है होल्ड करना है। अब जो है आप अगर चलते हो आगे आगे, आप जो है पूरा का पूरा ऐसे 360 डिग्री शॉट आप ले सकते हो। अभी क्या होता है पता है, आप चाहो तो इसकी जो स्पीड है कि भाई कितना फास्ट ये स्पीड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, अगर आपकी वायरिंग आपने की है, जैसे ब्लूटूथ में से काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, वायरिंग की है तो ये पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वायर बिना का जो आप काम कर रहे हो वो आपको इस पे करना है, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि वर्टेक्स मोड आप खुद, काफ़ी बार क्या होता है अगर हम ऐसा लो एंगल शॉट वगैरह लेते हैं तो उसमें वर्टेक्स मोड करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आप अंदर गए मेनू में, मेनू में यहाँ पर आप नीचे गए, वर्टेक्स में गए, वर्टेक्स में जाने के बाद इसके अंदर गए, इसके अंदर स्टार्ट का बटन आप दबा दीजिए। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही स्टार्ट का बटन मैं दबाती हूँ यहाँ पे ये अपने आप घूमने लगता है। इसकी डायरेक्शन और स्पीड इसकी ऊपर ही है जो आप चेक कर सकते हो, और ऐसे करके आप काफ़ी हैंड्स फ्री काम कर सकते हो, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप चाहो तो ऐसे नीचे जाके आप इस प्रकार के भी शॉट्स ले सकते हो, ठीक है। शादी का अग्निकुंड है, आपको अग्निकुंड दिखाना है, या फिर मामेरा आया है, ठीक है, आप मामेरा दिखाना चाहते हो, हर जगह पे आप इस प्रकार से इसका एंगल्स ले सकते हो। तो अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए वर्टेक्स मोड है, राइट। तो यहाँ पे हम जो है मैन्युअली खुद पूरा 360 डिग्री घुमा रहे हैं। अब जो है इसके अंदर आप मेन्यू में जाते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट का बटन दबाया और अब जो है ऑटोमेटिकली पूरा गिम्बल जो है 360 डिग्री आपका वर्टेक्स मोड खुद कर रहा है। डायरेक्शन और स्पीड आप इसके अंदर डिसाइड भी कर सकते हो। तो अब जो है आपको जो है मैन्युअली इसको करने की ज़रूरत नहीं है, गिम्बल खुद आपको ये सर्विस दे देता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है लास्ट मोड बट सबसे इम्पॉर्टेंट मोड पोर्ट्रेट मोड यूज़ करने वाले हैं। आपको भी पता होगा आज के ज़माने में हमको रील्स बनानी होती है, ट्रेलर, सिनेमैटिक फिल्म बनाने के लिए हम लोग शादियों में जाते हैं और ये सारे गिम्बल के मोड्स यूज़ करते हैं अलग अलग शॉट्स लेने के लिए। पर आज के ज़माने में जहाँ हमें पोर्ट्रेट शॉट्स लेने होते हैं, कपल के पोर्ट्रेट लेने होते हैं, रील्स शूट करना होता है, इसके लिए आपको पूरा का पूरा गिम्बल वापस रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, इसकी जो प्लेट है वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है। क्या होता है ना, एक ही सिनेमेटोग्राफर होता है, वो शादी भी शूट कर रहा है और उसे ही कहा जाता है कि भाई तू रील ले ले। अब वो रील लेने के लिए आपको अलग अलग सब कुछ बैलेंस नहीं करना, क्योंकि आपको पता है रील का शॉट लेने के लिए कुछ ही सेकंड्स हमारे पास होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने मोड चेंज किया, P मोड पे डाला। अब जो है हम जो है ऐसे जो है इसको बैलेंस करेंगे, हमारे दोनों हाथों को ऐसे कर दिया। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड ले रहे हैं, ठीक है। और यहीं से अगर आपको ऐसा शॉट लेना है ब्राइड का, ठीक है, जहाँ पे आप जो है एक ही हाथ से पूरा कपल का ऐसा शॉट ले रहे हैं,
ठीक है। और फिर आपको चाहिए कि ऐसा कोई शॉट आए जहाँ पे आप रिवील कर रहे हो ऊपर से नीचे, या फिर आप ऐसे ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने इससे ले ली। अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट लेना है तो आप देखिए बहुत ही डायरेक्टली मैंने आपका जो है कैमरा आपकी तरफ कर दिया। अगर आप यहाँ पे सेंट्रल लेते हो तो अब आप देखिए यहाँ पे आप जो है ऐसे से ऐसे सारे शॉट्स ले सकते हैं, देखिए। एंड आप चाहो तो ऊपर नीचे भी इसके सारे शॉट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर पाओगे। अभी हम लोग पीछे से जो हमारा एक शॉट है वो लेंगे जहाँ पे हम लोग ने ये पोर्ट्रेट पे रखा एंड यहाँ से हम लोग ने इसको ऐसे ऊपर शॉट लिया। अभी जो है हमारे हाथ में जो गिम्बल है वो 25,000 के अंदर के रेंज में आपको मिल जाता है। 25,000 रुपये इसकी MRP है, तो इसके अंदर आपको मार्केट में मिल जाता है, तो ये काफ़ी रीजनेबल अफोर्डेबल गिम्बल बन जाता है। दूसरा, इस गिम्बल के अंदर जितने भी मोड्स हैं और जितना ये लाइट वेट है, ये दो कारण की वजह से आपका काम अच्छा हो जाता है। एक, काम अच्छा करने के लिए अलग अलग मोड्स मिल गए। काफ़ी सारे जो आपके कैमराज हैं जो काफ़ी हाइट जो शायद थोड़े से हैवी भी होंगे, 3 किलो तक के वज़न के होंगे, वो ये गिम्बल आराम से झेल पा रहा है, तो आपका काम हो गया। एंड तीसरी बात कि ये जो है आपको खुद जो गिम्बल है वो काफ़ी लाइट वेट है, सिर्फ कुछ 900 ग्राम 800 ग्राम का एक गिम्बल है, तो इसकी वजह से आपके हाथों में काफ़ी लोड नहीं आता। एज ए वेडिंग फोटोग्राफर हम पूरा दिन काम करते हैं, तो सिनेमाटोग्राफी करने के लिए आपको जो है ये गिम्बल काफ़ी रीजनेबल अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट बन जाता है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग ने सारे अलग अलग मोड्स देखे, सारे अलग अलग मोड्स को यहाँ पे आपको सिखाया कि किस प्रकार से आप अलग अलग मोड्स को अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से और आपकी क्रिएटिविटी से वेडिंग्स में और प्री वेडिंग में काम कर सकते हैं। आई होप आपको आज का इस वीडियो को पसंद आया होगा सारा कॉन्टेंट। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरी वन, सी यू सून।